ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर शोडाउन के बारे में कि यहाँ पर हमें मेन इवेंट मैच कौन सा देखने को मिलेगा जो कि पॉसिबली रिवील हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो कि बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार ने और आज भी स्मैकडाउन लाइव के बारे में कि यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आज ही स्मैकडाउन लाइव के बारे में, जहाँ शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है आर ट्रूथ टीवी और यहाँ पर हमें कार्मेला एंड डैनियल ब्रायन भी देखने को मिलते हैं। काफी सारी यहाँ पर बातें होती हैं। डैनियल ब्रायन यहाँ पर कहते हैं उमेश के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना है, जिसके बाद मिस भी आते हैं और मिस यहाँ पर आकर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मेरा मिस टीवी चुरा लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमें काफी सारी बहस देखने को मिलती है मिस से, बट फाइनली थक हार कर यहाँ पर मिस चले जाते हैं बैग से, जिसके बाद पेज उन्हें दोबारा से रिंग में भेजती है और कहते हैं कि तुम आर्ट्रोथ के साथ जाकर एक मैच लड़ो, जिसके बाद हमें आर्ट्रोथ वर्सेज मिस के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और इस मैच में जीत होती है द मिस की। जिसके बाद हमें अगला एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि पहले से टेबल था और यहाँ पर हमें एक फोटोशूट देखने को मिलता है शार्लेट फेयर का, जहाँ पर पीछे से आकर बैक लिंच उनके ऊपर अटैक कर देती है। और वाकई में यहाँ पर यार कहना होगा बैक लिंच का जो करेक्टर है वो डे बाय डे और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। इसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेज बिगी के बीच और यहाँ पर एंड में शेमस अपनी ब्लू किक लगाकर इस मैच में जीत हासिल करते हैं। जिसके बाद हमें अगला सेगमेंट देखने को मिलता है एडन इंग्लिश रूसेव एंड लाना का, जहाँ पर क्वेश्चन करते हैं रूसेव एंड लाना कि भाई तुमने क्यों किया, क्यों हमारे ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर एक तरह से एडन इंग्लिश का जो आंसर था वो ये था कि लाना की वजह से उनका जो स्पॉट है वो कहीं ना कहीं छिन गया। और वो बात करते हैं उस रात की कि मिलवॉकी में वहां पर क्या हुआ था, लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को लेकर आगे हमें कोई स्टोरीलाइन बनाती हुई दिखाई दे सकती है। अगला मैच में देखने को मिलता है टैग टीम मैच आस्का एंड नेओमी वर्सेस मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल के बीच और इस मैच में आस्का एंड नेओमी जीत हासिल करते हैं। इसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है टाई डिलिंजर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच और इस मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है रैंडी ओटन की, वो काफी बुरी तरीके से टाई डिलिंजर के ऊपर अटैक करते हैं और एंड में यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा भी अपना फिनिशर निकालकर चल देते हैं। जिसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस लाना के बीच और इस मैच में काफी आसानी से जीत हासिल करती हैं बेकी लिंच। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है एजे स्टाइल्स समोआ जो की फॉर सुपर शोडाउन, लेकिन यहाँ पर एजे स्टाइल्स आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। लेकिन जब बात होती है समोआ जो की तो हमें बड़ी सी स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो होते हैं एजे स्टाइल्स के घर में, जिस पर एजे स्टाइल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वही वाली स्टोरी हमें देखने को मिलती है जहाँ पर समोआ जो एजे स्टाइल्स की फैमिली में घुसने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड से और ये रिकॉर्ड बनाया है करंट स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियन न्यू डे ने। और जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो कोफी किंगस्टन है वो बन गए सबसे ज्यादा दिनों तक चैंपियनशिप अपने कंधों पर संभालने वाले टैग टीम चैंपियनशिप और इसमें इस रेस में सबसे आगे हो चुके हैं, जहाँ पर 954 दिनों का उनका रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पर नाम आता है बिली गन का और लास्ट में यहाँ पर मिस्टर फूजी का। तो यहाँ पर कहना होगा कोफी किंगस्टन जिनको कि एक अंडररेटेड सुपरस्टार माना जाता है, यहाँ पर उनके नाम ही काफी बड़ा रिकॉर्ड आ चुका है। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े सुपर शोडाउन से। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे बड़े मैचेस कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन सवाल है यहाँ पर हमें मेन इवेंट कौन सा देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दो जो बड़े मैच है, पहला है शील्ड वर्सेज डॉग्स ऑफ वॉर के बीच और जो दूसरा मैच है वो है अंडरटेकर वर्सेज ट्रिपल एच के बीच। तो आपको बता दूं यहाँ पर अपडेट्स ये आ रही है कि सुपर शोडाउन को मेन इवेंट करने वाला है ट्रिपल एच वर्सेज अंडरटेकर का मैच और ऐसा इसलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे ज्यादा इसी मैच को प्रमोट किया, तो ऐसे में ये मैच हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप कौन सा मैच देखना चाहेंगे मेन इवेंट में और कोफी किंगस्टन के इस बड़े रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।